नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद अब कोरोना के केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस अब डरा रहे हैं और देश एक बार फिर पाबंदियों का सामना कर सकता है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर दिल्ली और मुंबई में देखा जा रहा है। दिल्ली में पाबंदियों के बाद आज मुंबई में कोरोना का विस्फोट हुआ। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 2510 नए मामले सामने आए हैं। वहीं धारावी में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब मुंबई में पाबंदियां लग सकती हैं। मंगलवार को मुंबई में कोरोना के 1377 केस सामने आए थे, लेकिन आज ही आंकड़ा सीधे 2510 पहुंच गया है। एक एवरेज के मुताबिक रोजाना कोरोना के मामले अब डबल हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इस बढ़ते मामलों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे और संक्रमण दर 5% से ज्यादा रहा तो यहां भी दिल्ली की तरह कुछ और पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। अभी कल का आंकड़ा ये 2200 के दरमियान रहेगा, तो 2200 के दरमियान अगर कल का आंकड़ा रहेगा, जिसका अंदेशा हम आज कर सकते हैं कि भाई कल का आंकड़ा क्या रह सकता है, तो करीबन 7 गुना ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो इसका मतलब है एक दिन 8 केसेस डबल हो रहे हैं और ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। और मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अभी 4% हो गया है, तो 5% तक अगर पॉजिटिविटी रेट जाता है तो हम जब सेकेंड वेव में थे तब ऐसा ही कुछ 7-8-10 तक का पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन 5 के आगे का पॉजिटिविटी रेट निश्चित तौर पर बहुत ही अलार्मिंग होता है। तो हमें रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। टास्क फोर्स माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र शासन, इनका एकत्रित मीटिंग निश्चित तौर पर आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी के कन्वीनियंस से होगी और उसपे किस तरह से हम बढ़ते हुए एक्टिव केसेस का सामना कर सकते हैं इसके बारे में स्ट्रैटेजी, इसके बारे में जो भी है प्लानिंग वो की जाएगी। फिर कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने का है क्या, वैक्सीनेशन ड्राइव और अच्छी तरह से किस तरह से हम कर सकते हैं, और रहा सवाल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी और स्ट्रिक्टर मोड पे हम किस तरह से ला सकते हैं, यह हम विषय ऊपर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में होंगी। वहीं राजस्थान में भी 217 दिन बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहां पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 131 दर्ज किया गया। बता दें कि ओमिक्रॉन के मामले में दिल्ली सबसे आगे चल रहा है। अब तक वहां पर 236 मरीज मिले हैं। राजधानी में अभी येलो अलर्ट जारी है। इस अलर्ट की वजह से सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं और रेस्टोरेंट में सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। इसके अलावा शादियों में भी मेहमानों की संख्या को सीमित कर दिया गया है और मेट्रो ट्रेवल के दौरान भी सख्ती बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।